साबिर साहब, ये मैंने पूरा जो खुलासा बताया, पहले आप इसे तज्जिया फरमा दें, फिर बात लेके आगे बढ़ते हैं कि इन नतायज की बुनियाद पर किसी के लिए फिक्रमंद और किसी के लिए खुश होने की वजूहत हैं, या आपके ख्याल में देयर इज नथिंग स्पेशल इन इट? उसकी वजह बिल्कुल फिक्रमंद इसलिए हो भी, ये होया भी जा सकता है, नहीं भी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में और बिलअमूम जो सीट है ज़िमनी इलेक्शन, बिलअमूम वही पार्टी जीतती है, सही है, जिसका जिसकी गवर्नमेंट हो सूबे में। अब जब इसी तरीके से बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत थी और वहाँ पे सीट निकल गई है, तो वहाँ पे जाहिर उनको फिक्रमंद होना चाहिए कि सूबाई हुकूमत होते हुए भी वो अपनी सीट नहीं निकाल सके। अब असल जो पीपल्स पार्टी जीत गई, लेकिन दोनों हल्कों में सिंध के पीटीआई के वो ड्रास्टिकली कम हुए, 23,000 से 6,000 हो गए, 15,000, यानी बिल्कुल आधे से भी कम हो गए पीटीआई के वोट। ये भी एक परेशान कन बात है पीटीआई सिंध चैप्टर के लिए खास। तो ये बिल्कुल परेशान तो होना चाहिए, अगर वोट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो अपोजिशन का एक नैरेटिव है उसको पजीराई मिल रही है, और उसकी वजह यही है कि एक आम आदमी के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे, ये बात तो अपनी जगह पे मौजूद है। और पीपल्स पार्टी बहरहाल एक मंजी हुई पार्टी है और उसका मुस्तकबिल भी रोशन है। अच्छा, और वो अपने लिए रास्ते भी बना रही है, सुभान अल्लाह, नजर मत से बचा है, बढ़ रही है। अच्छा, साबिर शाकिर की इतला सही होती। आपको आज आप अच्छे लग रहे हैं रफीउल्लाह साहब को इस बात के बाद। नहीं, इनको जरदारी साहब ने पता नहीं पूरी बात बताई है कि नहीं बताई। अच्छा, पूरी आगा साहब को मालूम होगा, तुसी दस दो। तो वैसे मुझे कल रात भी बुलाया था उन्होंने, बिलअमूम। अच्छा, मुलाकात हुई आपकी कल रात? अच्छा, कल रात ही बुलाया था, पूछने क्या बात है? लेकिन आप पहले बताई होगी। हाँ, लेकिन आप बताएं पीपल्स पार्टी का पूरी बात बताई होगी, मुस्तकबिल करीब में भी रोशन है, मुस्तकबिल करीब भी सेनेट में भी आपको लगता है? साबिर साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब नहीं बल्कि मुस्तकबिल बईद की बात करें, अगला सेटअप भी सेनेट के इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल जोन में होगी। अच्छा, वैसे मैं साबिर भाई कल लाइटर साइड पे कह रहा था कि जरदारी साहब जिस तरह की सियासत का रंग दिखाते हैं सेनेट इंतखाबात में, खास तौर पे मुझे डर है कभी ऐसा ना हो कि सेनेट की 11 में से 14 नशिस्त पीपल्स पार्टी जीत जाए, ये भी हो सकता है जो काम जरदारी साहब कर रहे होते हैं। तो मैं आपको जीत की मुबारकबाद दूं या आपके मामला आपकी सेटिंग अच्छी हो गई है उसकी मुबारकबाद दूं? रफीउल्लाह साहब, आपको कौन सी बात? जीत की सेटिंग अल्लाह ना करे हमारी हो, सेटिंग जमहूरियत से मजा करती है, जमहूर की ताकत से मजा करती है, अवाम की ताकत से मजा करती है। अच्छा। चोर दरवाजे वाली सेटिंग जो है वो कभी भी अवाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे, आप रुके हुए काम लोगों के निकाल देंगे। आपकी कोई सेटिंग नहीं हो रही? अल्लाह ना करें, अगर हो भी रही है तो अल्लाह ना करें। ये केसेस में नहीं, ये बात सही कह रहे हैं, इनकी 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 रायबंड में सेटिंग नहीं हो रही, बाकी हर जगह हो। मैं हाँ, मेरे भी अगर मेरे भी जहन में रायबंड होता तो मैं कह देता ना, मैं कह नहीं रहा, इसका मतलब मेरे जहन में रायबंड नहीं है, कुछ और है। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, ये आगा साहब मिल के आए हैं जरदारी साहब से, तो इनको यही कहा गया कि आपने यही बात करनी है, इससे ज्यादा बात नहीं करनी। तो बाकी ज़िमनी इलेक्शन, अब जो पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं तो पंजाब में जाहिर है अगर पीपल मुस्लिम लीग नवाज जीत जाती है तो पीटीआई कहेगी भी उनकी सीटें थी उनको मिल गई वापस, सही। और अगर पीटीआई जीत गई तो उन्होंने कहना कि ये देखें हमारा नैरेटिव कामयाब हो गया, तो ये चलेगा। अलबत्ता मेरा अपना ख्याल है कि जो औरंगजेब वाली सीट है जा जा। और वो शायद पीटीआई क्योंकि सिर्फ 2,000 का फर्क था, 16,000 और 14। हाँ, वो वाला कैंडिडेट ही नहीं है अभी पीटीआई का, मजे की बात है। क्यों नहीं है वैसे? वो जो इंडिपेंडेंट होगा जो भी, हाँ, जी, उसका जी, जो तरीका कार होता है उनका। लेकिन ये बताएं रफीउल्लाह साहब, अगर आप, क्योंकि जाहिर सुनीद यही है कि पीपल्स पार्टी के मामला बेहतर हो गए हैं जहाँ अच्छे नहीं थे, और जहाँ नून के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है वहाँ आपके मामला बेहतर, तो आप लोगों का नैरेटिव वही है कि इमरान खान साहब सेलेक्टर हैं या सेलेक्टेड हैं? सर ये देखें, सेलेक्टेड है, दो 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 चीज़ें कौम बड़ी वाज़े तौर पे समझ सकती है। एक, पीडीएम का वजूद हमारी एपीसी से बनी है, तो कैसे हम अपने बेबी से इनकार कर सकते? सबकी थी ना, तभी तो वो ऑल पार्टीज थी। तो लेकिन मेजबान हम थे ना, मेजबान हम थे ना। देखें, मैं ये आपके पास प्रोग्राम था, लेकिन इसमें मेजबान आप ही हैं, मैं गेस्ट हूँ।
वो सारी एफर्ट्स हमारी थी, वो मेजबान उसके हम ही थे। तो आपने अपनी सेटिंग बनाने के लिए एपीसी के जरिए पीडीएम की बुनियाद रखी। देखें अब मैं मुझे परसों अच्छा इमरान खान अगर सिलेक्टेड है तो सिलेक्टर कौन है जी? इमरान खान सिलेक्टेड है तो सिलेक्टर कौन है? सिलेक्टर वही है जिन्होंने हमेशा आइन शिकनी की है, जिन्होंने हमेशा आके शब खून मारा है जमहूरी हुकूमतों पर। उसका उसको आप जो मर्जी नाम दे दें, उसको आप फिर जियाउलक कह दें, मुशर्रफ कह दें, उसको फिर आप जो नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज से नाम वगैरह लेते हैं आप उस अप्रोच से एग्री करते हैं या गलत है? मैं कतन किसी भी इदारे को कमज़ोर नहीं कर सकता, किसी भी उसको मतलब हम जमहूरी हम चाहते हैं हर चीज़ जमहूरियत के हो। पार्लियामेंट का तरीक़ाकार जो है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की SOP मतलब क्यों है? हम क्यों, मैं तो इस चीज़ का एज ए पॉलिटिकल वर्कर कभी भी कायल नहीं हूँ कि हम जो चीज़ें जिससे हमारे मुल्क को, हमारे इदारों को नुकसान और हमारे दुश्मन को ज्यादा फायदा होगा। जिस तरह नाम ले रहे हैं इससे नुकसान हो रहा है हमारे इदारों को? बिल्कुल, जो वो नाम ले रहे हैं उससे भी नुकसान हो रहा है और ये जो जमहूरियत के खिलाफ काम हो रहा है या जमहूरियत या पार्लियामेंट को जो वीक कर रहे हैं इसका भी नुकसान मुल्क को ही हो रहा है। नवाज शरीफ जो इल्जाम लगा रहे हैं ठीक लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं? मियाँ साहब के इल्जाम देखें, मियाँ साहब बेहतर समझ वो बता सकते हैं। आप क्या समझते हैं? मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए दोनों गलत है। जो नवासी साहब के इकदाम उससे भी नुकसान हो रहा है, जो इल्जाम वो लगा रहे हैं जहर सी बात है, वो तो देखे ना वो तो सफर कर रहे हैं ना, उनको अवॉइड करना चाहिए इस तरह के इल्जाम लगाना। नहीं मैं ये नहीं समझता कि आप इससे ज्यादा खुल के आगा साहब क्या बात करें? अच्छा नहीं साबिर भाई बात ये है कि देखें मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस टाइम देखें साबिर भाई आप अपने आपकी बड़ी गड़ी आगा भाई बात सुने जी, जी। बात पता है क्या? हाँ। ये वसीम जो है ना ये आपको खराब कर रहा है। नहीं मुझे यकीन है कि कोई भी मुलाई खराब नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ एक बात बताएं। आप मुतनब्बे कर रहे हैं रफीउल्लाह साहब को। मुझे सिर्फ साबिर भाई मुझे एक बात बताएं। तो आपकी बड़ी गहरी नजर है और आपने चौधरी साहब के साथ कुछ प्रोग्रामों में कुछ हवाले में हमारा भी हवाला दिया है। पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त जो अखाड़ा बना हुआ है या पार्लियामेंट को जिस नेज तक हम पहुंचा चुके हैं, क्या ऐसा कभी आमिर के दौर में यानी मुशर्रफ के दौर में भी इससे बात करते हैं कि पार्लियामेंट मुझे ब्रेक का भी कहना है। ठीक है एक ब्रेक लेते हैं और फिर फ्लाई विद PIA एंड सेव गोल्ड। रजिस्टर नाउ, स्कैन QR कोड देन रजिस्टर योरसेल्फ टू गेट गोल्ड एंड लॉयल्टी बेनिफिट्स पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।